दोस्तों आज बनाऊंगा मैं आपके लिए हेल्थी स्प्राउटेड सैंडविच। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ सेफ चंदन। स्प्राउटेड सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा स्प्राउटेड है ना उसको सौते कर लेंगे और पैन में ऑयल डाल दिया। एक चम्मच इसमें चॉप ऑनियन डालेंगे, इसको हल्का सा सौते कर लेंगे, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। इसमें डालेंगे स्प्राउटेड, चम्मच चॉप टमाटो, आधा चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इसमें क्रश पेपर और स्प्राउटेड को हल्का सा सौते कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। स्प्राउटेड को हल्का सा पका चुके हैं मैं, आप इसको एक बॉल में ठंडा करने के लिए रख लेंगे। हेल्दी नाइफ से हल्का सा आप देख सकते हैं ये बटर लगा दीजिएगा इस तरीके से, और एक टमाटर का इस तरीके से स्लाइस कर लीजिएगा, और खीरा का भी इस तरीके से कर सकते हैं आप, देख लीजिएगा। सबसे पहले जो मैंने स्प्राउटेड सौते किया था वो ब्रेड में इस तरीके से लगा दीजिएगा, आप देख सकते हैं स्प्राउटेड किया हुआ बीन्स है, दाल जिसको बोलते हैं मूंग दाल। इसके बाद इसमें टमाटर के स्लाइस जो हैं इस तरीके से लगा दीजिएगा, उसके बाद खीरा ककड़ी के इस तरीके से स्लाइस को लगा दीजिएगा, इसके ऊपर हल्का सा नमक, क्रश पेपर इस तरीके से, आप चाहे तो मेयोनेज भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर लगा दीजिएगा लेट्यूस के पत्ते, दूसरा पीस ब्रेड को इस तरीके से लगा दीजिए ऊपर, अब इसको हल्के हाथ से इस साइड काट लीजिएगा इस तरीके से, आप देख सकते हैं ब्रेड के चारों कोने मैंने काट चुका हूँ इस तरीके से। अब बीच में से इस तरीके से इसका पीस और कर लीजिएगा, चार पीस काट चुका हूँ मैं ट्रायंगल, आप चाहे तो इसको ग्रिल भी कर सकते हैं या टोस्टेड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हेल्दी सैंडविच मैंने बना लिया है, आप इसको अपने बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, टिफिन के लिए या सुबह ब्रेकफास्ट के लिए हेल्दी सैंडविच बना सकते हैं। मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन कर लूँगा, प्लेट में इस तरीके से रख लीजिएगा, आप देख सकते हैं। आप ले स्प्राउटेड सैंडविच का आनंद अपने परिवार के साथ और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो दोस्तों मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना कमेंट्स करें, लाइक करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद भी खाएं औरों को भी खिलाएं। फिर मिलेंगे एक और नए रेसिपी के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।